तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राइड विद अस। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी बाइक लेके आया हूं जो कि 650 की किंग है और मैं उसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाला हूं, जो कि उनको 3 साल हो गए हैं मोस्टली। तो और वो ज्यादा चलाई तो नहीं, लेकिन आसपास 9000 के आसपास 19 किलोमीटर में चला है। तो हियर वी हैव ग्राफिक है, मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, रैप किया है, एकदम रैप किया। इसमें भी अच्छा खासा खर्चा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सर को फॉलो करना इंस्टा पे, ये ऐसे बाइक्स की वीडियोस डालते रहते हैं। तो सर आपकी आईडी बता देना, सागर परदेशी नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। तो मैं यहाँ पे लिख के बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे बता दूंगा, वहाँ पे इसके वीडियो देख लेना। तो सबसे पहला सवाल पूछता हूँ जो कि मोस्ट कॉमन है, तो सबसे पहले आपको यही बाइक क्यों चूज करना पड़ी? 650 है, नीचे 650 है, और कौन सी आती है बाइक? बेलिनी 600 आई आती है। तो आपने यही होंडा की 650 को क्यों चुना? पहले तो ये फोर सिलेंडर साउंड के लिए, और अंडर पावर भी नहीं है। जैसे बेनेली 600 अंडर पावर आती है, और 650 2 सिलेंडर आती है। ये 4 सिलेंडर है, पावर भी अच्छी खासी है, और होंडा है, रिलायबल इंजन है, इसलिए मैंने ये चूज किया। ठीक है, तो अभी ये तो चूज किया है ने, आपको ये आपने सेकंड हैंड खरीदी थी बराबर ना? नहीं नहीं, सॉरी। तो फिर ये बाइक को मोस्टली लोग लोन पे ही लेते हैं, जो कि सुपर बाइक होती है, जो कि फर्स्ट बाइक होती है, जो कि लो सीसी से हाई सीसी पे जाते हैं। तो आपको ये कितने पे पड़ी थी? ये मुझे 9 लाख रुपए में पड़ी थी। लोन किया था इसमें 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था, और बाकी 6 लाख का लोन किया था। 6 लाख का लोन किया था। तो फिर बहुत सारे राइडर होते हैं जो कि आप जो कि छोटी सीसी से लगे बड़ी सीसी में जाते, जैसे कि आपने 600 पे स्विच किया, तो आपको जो न्यू राइडर उसको उनको कुछ सलाह देना चाहोगे? न्यू राइडर्स जो बिगिनर्स है उनके लिए एक ही सलाह है कि अगर आप 200-300 सीसी से ऊपर जा रहे हो तो 650 एकदम बेस्ट बाइक है। ओके, डायरेक्ट 1000 सीसी पे मत जाओ, प्रैक्टिस करो। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए हाई पावर का जी, उसके बाद 1000 सीसी पे शिफ्ट कर सकते हो। ओके, और आपका इसके बाद और आगे भी कोई प्लान है क्या सुपर बाइक परचेस करने का? हाँ, वैसे मेरी ड्रीम बाइक तो हायबुसा है। अच्छा, तो मेरा प्लान वही है कि अभी अगली बाइक हायबुसा आने वाली है, और वो जल्दी आने वाली है। तो हायबुसा तो हर इंडियन को पता ही है, हायबुसा इसलिए इतनी फेमस थी इंडिया में जितने हायबुसा। तो इस वीडियो पे, इस चैनल पे भी हायबुसा का नया वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो में चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को लाइक कर देना, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर अभी इस बाइक का तो माइलेज पूछ दिया है, लेकिन इन्हें एक्यूरेट नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी इसका फुल टैंक करें तो आप कितना किलोमीटर तक जा सकते हैं? 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और इसकी टैंक अपना कितना कैपेसिटी है? 15 लीटर का अपने को देखने मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं इस बाइक में फीचर्स की। इस बाइक में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल कंसोल देखने मिल जाता है, जो कि आप लाइट में भी चल सकते हैं, पहले तो फुल स्वाइप मारता है। तो इसके फीचर्स के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो इसमें? अपने को क्या क्या डिजिटल कंसोल का एक प्लस पॉइंट है, ये कितना भी दूर रहें तो क्लियर दिखता है, विजिबिलिटी अच्छा आता है, और रात में ज्यादा लाइट फेंकता है क्या? नहीं, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट तो नहीं, लेकिन डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। और बहुत सारे वार्निंग साइंस भी आपको इधर दिखते रहे। इसमें पैनिक ब्रेकिंग आता है, पैनिक ब्रेकिंग। अगर हाई स्पीड पे अर्जेंट ब्रेकिंग करें तो 4 इंडिकेटर चाहिए पैनिक ब्रेकिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल है जो अच्छे से काम करता है, लेवल एक ही लेवल का है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। और ये मैं बताना चाहूंगा, ये स्विचेबल है, मतलब एक सिंगल चैनल है भी, सिंगल डुअल चैनल है भी, डुअल चैनल है, डुअल चैनल है भी। हां, तो डुअल चैनल सपोर्ट, हां, ब्रेकिंग भी अच्छा है, ब्रेकिंग होता है। और आपको ऐसा मतलब बेलिनी का आपने सुना रहे, बेलिनी की ब्रेकिंग एकदम बेकार होती है, ब्रेकिंग, तो इसमें आपको ब्रेकिंग में कुछ भी एडवांटेज लगता है? सबसे पहले बात करते हैं अभी इसकी सर्विस कॉस्ट की, तो इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती रहेगी आपको? सर्विस कॉस्ट जाती है 6000 से 7000 तक, अगर कुछ इशू नहीं रहेगा तो, अगर ब्रेक पैड कुछ चेंज करना हो तो 10-12 हजार तक जाती है।
और फिर मान लेना शिफ्ट मान लेना आपको लौटना तक आ जाएंगे शिफ्ट, और सर्विस कॉस्ट भी आपको इसके आसपास ही देखने मिल जाएगी। तो फिर और मैं साथ में साथ बताने जाऊँगा इसका माइलेज कितना आएगा। माइलेज इसका आता है 20 से 25 तक। 20 से 25 तक लो फ्री चले तो कितना आएगा आपको कुछ आइडिया है ना? चलेगा तो 20 माइलेज भी इसका इतना अच्छा खासा है। माइलेज 20 स्पोर्ट्स बाइक में 20 अपने को बहुत कम देखने मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सर आप कुछ कहना चाहोगे? सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो और एक बार एकदम